हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने बनाए हैं राजमा चावल। तो देखते हैं ये किस तरीके से बने हैं। यहाँ पे मैंने ये ले लिया राजमा, इसको मैंने मतलब 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 2 घंटे में कुछ इस तरीके से भिगोया ये। अगर मैं इसे थोड़ा पहले रखती तो अच्छा हो जाता। खैर, अब मैंने इसे अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब मैं इसे बॉयल करने के लिए कुकर में रख दूँगी और इसमें पानी डालकर और इसमें कुछ हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि दालचीनी। मैं इसमें पानी डाल दूंगी और मैंने ये 2 स्टिक दालचीनी की ले ली है। और मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दूंगी इसमें, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर उससे इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिए 5 टमाटर। इसे मैं ऐसे इस तरीके से काटूंगी क्योंकि ये हमें ना, मैं इनको फ्राई करूंगी। फ्राई करके जब इसका मतलब पेस्ट बना कर जब सब्जी बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए और यहाँ पे हरी मिर्च ली है, इन्हें भी मैं कट कर लूँगी। और हरी मिर्च, ऑनियन और गार्लिक और थोड़ा सा मतलब कि 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले लेंगे हम। इन सबको फ्राई कर लेंगे। और हाँ, मुझे चावल ही बना लिए हैं ना, तो मतलब राजमा तो मेरे हो गए हैं। और यहाँ पे मैं चावल के लिए पानी डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मतलब सरसों का तेल डाला है, जिससे चावल एक जगह चिपकेंगे नहीं, अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जिससे मैं इन्हें फ्राई करूँगी थोड़ा दूर से। तो मैंने गार्लिक डाल दिया है, इसमें प्याज डाल दूँगी और हरी मिर्च, मतलब सारे को एक साथ करके अच्छे से इन्हें सोटे कर लेंगे। इसमें अभी हमें मसाले नहीं डालने हैं। चावल का पानी हो चुका है हमारा, तो इतने में चावल को धो लेती हूँ। अब मैंने चावल ले लिए हैं, मसाला भी, अब ये टमाटर भी हमारे हो गए हैं। टमाटर हमारे मतलब अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, इसे हम ठंडा कर लेंगे तब इन्हें मतलब पेस्ट बनाएंगे। इधर राजमा हमारा हो गया है, राजमा हमारा बॉयल अच्छी तरह हो चुका है। कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने तेल डाल दूंगी। हम सरसों के तेल में बनाते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। इधर हमारे चावल हो गए हैं। मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। और हम मतलब इसमें मैं जो मैंने पेस्ट बनाया था फ्राई करके, उसका पेस्ट इसे इस पेस्ट को डाल दूंगी। पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह चलाएंगे। इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छी तरह से चला देंगे। हम इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले डाल लें। इसे ढक के मतलब लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और चावल हो चुके हैं, देखो मसाले पर तेल ऊपर आ गया है। तो हमारे ये मसाले हो चुके हैं, टमाटर अच्छी तरह पक गए हैं। अब इसे हमने जो मसाले डाले थे, इसे धोकर पानी भी डाल दूंगी, फिर चलाऊंगी इसे, मतलब थोड़ी देर पकाना है। और हाँ, मैंने नमक नहीं डाला था, अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी। इसमें मैंने राजमा डाल दिया है, सब्जी हमारी रेडी है। लेकिन हम इसे अभी मतलब 5 से 7 मिनट इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। सब्जी हो चुकी है और इसमें लास्ट में मैं डालूंगी गरम मसाला, फिर चला दूंगी। सब्जी हमारी हो चुकी है, एकदम बढ़िया परफेक्ट राजमा। और इसमें सर्व कर लेती हूँ। मैंने कटोरी में डाल लिया राजमा और यहाँ पे मैंने चावल। राजमा चावल किस किस को पसंद है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सैलेड रख ली है और देसी घी डाल देती हूँ 1 चम्मच। तो ये थी हमने इस तरीके से बनाया, आप किस तरीके से बनाते हैं जरूर। और ये बताना मतलब चावल किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं इन्हें टेस्ट करती हूँ। चलो आप भी खाइए, आप बताइए कैसे बने हैं। मैंने खाए मतलब बहुत टेस्टी बने हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इतने बाय।